आज 20 दिसंबर 2018 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है देर रात 4:35 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है देर रात 3:04 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:58 पर। और आज प्रदोष व्रत है। मेष राशि वाले ये समझ लें कि अपनी मेहनत से अपने भविष्य को बनाने का समय आ गया। आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है और आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि कहीं आपके अपने आपका साथ तो नहीं छोड़ जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जो भी मौका मिल रहा है उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें और इस बारे में भी सोचें कि अपनी मेहनत को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि उन अच्छी बनती हुई संभावनाओं से आपको फ़ायदा हो सके। पर इस सारे प्रकरण में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत इस्तेमाल हो सके। वृषभ राशि वालों का घर परिवार में तनाव बढ़ेगा तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर भी आएगा और आपके कामकाज का दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दो चीज़ों में नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपने विचारों में थोड़ा सा लचीलापन लाएं और अपने हालात को भली भांति समझने की कोशिश कर लें ताकि उन गलतियों से भी साथ ही साथ बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार को इस रूप से ढाल लें कि लोग उसे भली भांति समझ सकें। अभी की स्थिति ऐसी है कि आपका प्रबल होता हुआ स्वभाव नजर आ रहा है जिसे लोग उस नज़र से नहीं देख पा रहे जितने की ज़रूरत है, इसलिए अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज़्यादा सुन लें। मिथुन राशि वाले अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो आपको इस बात का आभास होगा कि अपनी कोशिशों से अपनी परेशानियों को संभाला जा सकता है, लेकिन आपने अपने मन में कुछ ऐसी उत्तेजना बना रखी है कि आप परिस्थिति को पूरी तरह से आंकलन नहीं कर पा रहे। शायद आप किसी से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि किसी और विकल्प को देख ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाते चले जाने से बचना होगा। कोई ऐसी एक तरफा इच्छा ना पालते चले जाएं जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर या आपके घर परिवार की स्थिति पर पड़े, इसलिए बहुत धैर्य के साथ अपने हालात को समझने की कोशिश करनी होगी। बेहतर यह होगा कि रिश्तों से अपने ध्यान को हटाकर अपनी सारी मेहनत अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा दी जाए। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि उधार देकर अपने पैसे को कहीं फंसाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके कामकाज की परिस्थिति मुश्किल में पड़ती चली जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने साथी सहयोगियों से हर तरह का तालमेल बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मेहनत जरूर करें, पर किसी भी तरह के ऐसे विचार से बचें जो आपको सिर्फ भटका रहा हो। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है और ज़िंदगी के दूसरे हालात भी कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों में बनता हुआ किसी भी तरह का अविश्वास ठीक नहीं। आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और इसलिए आपकी नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही और इसे ही समय रहते संभाल लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रयास इस रूप से बनाने होंगे कि कामकाज के प्रति आपका मन लगे और आपको बड़ी सफलता मिल सके, पर कामकाज से जुड़ी किसी भी तरह की गलतफहमी से भी बचना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सकें। अपने दोस्तों से अच्छी मिलती हुई सलाह आपको परेशानियों से निकालने में मददगार हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए जो भी मतभेद रहे हैं उन्हें अपनों के करीब आने से दूर किया जा सकता है और ये समय आपको ऐसा मौका दे रहा है कि आपसी तालमेल को आप बेहतर कर लें। थोड़ी सी कोशिश करने से रिश्तों के प्रति भरोसा जगाए रखना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचारों में पारदर्शिता बनाए रखें और लोगों से इस रूप से जुड़ें जिसमें लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएं और आपकी सराहना कर पाएं। धीरे धीरे ही सही, ये सब कुछ आपके लिए संभव होता चला जाएगा और हालात सुधरते चले जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं क्योंकि आपकी काबिलियत आपका पूरा साथ निभा रही है, इसलिए धन लाभ की अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं जो बहुत दूर तक आपका साथ निभाएं। अगर मन में किसी भी तरह का बोझ है तो उसे साथ ही साथ हटा दें क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई को बनाए रखने का समय है और अपनों के प्रति उस अच्छाई को प्रदर्शित करने का भी समय। कभी कभी हम अपनों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं पर उसे कह नहीं पाते और इसी वजह से भरोसा कम होता चला जाता है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज से लाभ भी है और अपनों का साथ और समर्थन भी है। जिंदगी की खुशियां इसी तालमेल से बनती हैं जब सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए और इस सारे खेल में आपकी आर्थिक स्थिति भी हर तरह से आपके लिए मददगार। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। आप उदारवादी हो रहे हैं जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अपने और अपनों के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है, फिर भी योजना बनाकर चलना ही सूझबूझ की निशानी है। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है क्योंकि आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, पर आपको फिर भी संभलना होगा और किसी भी तरह के जल्दबाजी से जुड़े फैसले से बचना होगा।
उसका बड़ा कारण यह है कि आप लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और शायद यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए धन लाभ के रूप में बनी हुई है, और इस बात से भी फायदा उठा लें कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की और पा लेने की इच्छा है, और यही इच्छा इंसान को मेहनत के रास्ते पर चलाती है जिसके चलते अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि छोटी सी गलती बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है, इसलिए किसी भी तरह के परिवर्तन के विचार को भली भांति समझना होगा और रिश्तों में भी बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी ताकि आपके बढ़ते हुए कदम आपकी परेशानियों का कारण ना बन जाए। क्या करना चाहिए समय में? हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि आप कुछ जिंदगी में करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपकी मेहनत भी उभर कर आ रही है। कुछ नया सीखने के लिए और कुछ जिंदगी में पा लेने के लिए इसी तरह का विचार मदद करता है जिसका पूरा फायदा उठा लें। कुंभ राशि वाले लोगों की सहायता से अपने हालात को संभालने में प्रयत्नशील, पर फिर भी भरोसे की कमी है क्योंकि कई चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? हालात मददगार हैं क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है, फिर भी अपने मन में बहुत सारा धैर्य पैदा करना होगा ताकि अपनों को भली भांति समझा जा सके और उनकी अच्छाई से भी फायदा उठाया जा सके। मीन राशि वाले ये समझ लें कि लोगों से बढ़ता हुआ तकरार आपकी मुश्किलों का कारण बन सकता है और आपके नुकसान की स्थिति भी बना सकता है, इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि अपनी स्थिति को संभाल लिया जाए और उसके लिए अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी लाने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी। बहुत ज़्यादा करने के बजाय एक चीज़ कर लें पर उसमें एकाग्रता बनाए रखें ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके।